नाम क्या आपका? विष्णु। विष्णु कितने साल हो गए जेल में? 19-20 साल समझ लो, पूरी 20 साल हो गई। आज 20 साल बाद जेल से बाहर निकले, कैसा लग रहा है? अब भाई साहब ऐसा लग रहा है कि दुनिया बदली बदली सी लग रही है, और हम सबसे बेकार हो रहे हैं अपने आप में, परिस्थिति हालात से टूटे हुए हैं। अब हमें क्या अच्छा लग रहा है, बस हम तो सरकार से एक ही चीज़ से मतलब रिक्वेस्ट है हमारी तो हाथ जोड़ के, कि मतलब वही है जो कुछ करेंगे हमारे लिए। तो हमें तो 20 साल के बाद हमारा तो सब कुछ उजड़ गया, भाई माँ बाप सब अटैक से मर गए, जमीन बिक गई इसी केस में, मकान भी गिरवी पड़े हुए। अब जेल कैसे पहुँच गए, क्या हुआ था? जेल केस बनाया था हरिजन एक्ट और 376 उन लोगों ने फंसाने के लिए, उसमें पैसा मिला था उन लोगों को, कुछ लोग बागों ने कुछ सहयोग भी दिया था उसको फंसाने की, जो मतलब ऐसी पार्टीबाजी थोड़ी सी चलती थी। एक गांव का लड़का था हरगोबिंद पीसी था, वो होमगार्ड में वो प्रधान का लड़का था, उसकी मम्मी प्रधान थी, उसकी वजह से उसने थोड़ा सा राजनीति खेलवाड़ करके हमसे मतलब हमारे संगे ऐसा कराया, गरीबी स्थिति, हम तो बिना पढ़े लिखे आदमी, हम पे कुछ नहीं, हम जानते नहीं थे राजनीति क्या है, और उन्हें केस बनवा दिया, हम घर से भाग गए, पुलिस आने लगी तो भाग गए, जब हम पकड़ के मतलब फिर पकड़े गए, जाना तो पड़ेगा नहीं, ज़मीन वमीन चली जाएगी, कुड़की हो जाएगी। बस अब जेल में जब से आए वो जेल में हैं, बेल हुई, फिर बेल भी हमारे घर वालों ने ज़मीन वमीन बेच के करवाई, और वकील जो करे हैं वो सब वकील खा गए पैसा, रिकवरी भरी तो रिकवरी को कोई पता नहीं चला, वकील ही खा गए वो पैसा जो उनसे मुकदमा लगवाया। जिले के रहने वाले हैं आप? जिला ललितपुर पड़ता है। अच्छा, आप जेल में रहे इतने दिन, कैसा रहा जेल का माहौल, बात करें जेल की? जेल का माहौल तो भाई साहब जिंदगी में कोई भगवान ना करे, किसी ईश्वर ना करे किसी को भी जेल अंदर करवाए, जेल तो वहाँ बहुत बेकार चीज़ है, मर रहे हैं एक एक दिन में, जैसे हमने 20 साल में जैसे हमने ज़िंदगी बिताई है हम जानते हैं, एक दिन में मतलब एक दिन में आत्मा मरती है, क्या है खाने को, कुछ दाल रोटी और मतलब जो है उसमें क्या है, कुछ नहीं, सब दुनिया वहीं से खाने को तैयार है हर चीज़, हर आदमी अंदर को तो मसला बहुत ही ख़राब है, उससे उनसे कौन क्या कर सके, कुछ ने विरोध करा तो लाठी से मारेंगे, डंडों से गिरा देंगे। तो आपने जो मेहनत करी 20 साल में, उसका पैसा कितना मिला आपको आज? पैसा हमें सर भाई साहब कुछ नहीं मिला, पैसा तो वो कूपन देते थे, और बस वो फिर इसके बाद किताब बनवाई, जो पहले 10 रुपये देते थे, फिर 40 रुपया होने लगे मिलने लगा, तो वो भी फिर मतलब पता ही नहीं चला, 15% यहाँ काट लिया करते थे, और उनकी ही मनमानी, उन्होंने कि ऊँठा लगाओ यहाँ तो लगा दिया, हम तो यही करते रहे। और जेल से हमें मिलते हो गई, अब आगे क्या करने का इरादा है, क्या करोगे? हम भाई साहब क्या करने के, बिल्कुल मतलब वो रह गए, अब कुछ हम करने के रह ही नहीं, अब तो हम मजदूरी जो कुछ थोड़ा बहुत मिले कोई काम तो कर लेंगे, नहीं तो हम तो टूट चुके हैं अंदर से आत्मा से। माता की ढाबा वगैरह खोलने के लिए? अब ढाबा वगैरह हमने यहाँ भंडारे में काम भी करा, सीखे हुए हैं सब, लेकिन पैसा की व्यवस्था चाहिए ढाबा के लिए, ढाबा इतने आसानी नहीं है आज की दुनिया में, बहुत महंगाई का समय है, ज़मीन भी चाहिए, तो रोड के किनारे कहीं ज़मीन इतनी महंगी कहाँ से हम खरीदेंगे, हम पे दाम नहीं है जब पैसा नहीं है। और तो ये मुकदमे की रंजिश क्या थी, क्यों तुम्हें फंसाए, क्या वजह क्या थी? उसमें वजह खेती का, वो गाय माय पड़ गई तो उसमें वो गाली गलौज गली वाली बात वही है, उसमें 2-3 आदमी ने हमें को मतलब वो मानने की कोशिश करी, पर वहाँ से हम भाग भी गए, वो चाह रहे थे इसको मतलब इसको फंसाना हो दूसरों के कहने से, और फिर उन्होंने मतलब 20 सालों में परिवार के किन किन लोगों की मौत हो गई आपके? पहले 2013 में पिताजी की ख़त्म हो चुके, और फिर माँ को 2014 में अटैक पड़ गया, फिर इसके बाद बड़े भाई ख़त्म हो गए राम किशोर, उनको भी अटैक पड़ गया, तीसरे नंबर के उनको भी अटैक पड़ गया, इसी केस में हमारी टेंशन में। आज कोई आया कि नहीं लेने? आज हमें कोई लेने नहीं आया, पर थोड़ा परिस्थिति ख़राब है, हमारा भाई से बात हुई है फिर फोन पे, और वो कह रहा हो कि आ जाना मतलब।